जी आ रहे हैं चस्के, देखो देखो है तो ये हम इसको डिश आउट करने लगे हैं इस तरीके से, प्लेट ये इस तरीके से, यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे इस तरीके से, साइड पे बेबी सर्विंग की है, यहाँ पे वाले सेब इस तरीके से, फुल करीब जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ रिजवान और आप देख रहे हैं बाबा फूड आर आर से। घरेलू खवातीन के लिए गिफ्ट लेके हाजिर हो गया हूं फटाफट से। आप रशियन सैलड किस तरीके से तैयार कर सकते हैं, किन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है, किस तरीके से वो टेस्टफुल बनेगी, मुकम्मल गाइड करूँगा आज की रेसिपी में। तवज्जो से देखिएगा, रमज़ानुल मुबारक का गिफ्ट देने वाला हूं मेरे भाइयों। सबसे पहले हम इसकी सॉस तैयार करेंगे जो हम क्रीम से और मायोनीज से तैयार करेंगे, ठीक हो गया। फिर सेब उसमें काटेंगे ताकि ब्लैक ना हो। जो लोग कमर्शियल लेवल पे बनाना चाहते हैं वो किसी भी थाल में बनाएंगे या पतीले में बनाएंगे, नीचे बर्फ लगाएंगे, जैसे मैंने कमर्शियल रेसिपी में पहले बताया। अपनी टीम से कह रहा हूँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी देंगे, आई बटन में भी देंगे, जो लोग कारोबार करना चाहते हैं। मैंने क्या किया, मैंने मायोनीज और क्रीम को फ्रिज में रख दिया। आप घर में बनाना चाहते हैं, मायोनीज भी ठंडी है फुल ठंडी और क्रीम भी फुल ठंडी है, ठीक हो गया। 100 ग्राम हमारे पास क्रीम है और 150 ग्राम मायोनीज है, इसको हम शामिल करने लगे हैं एक बॉल में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, टेट्रा पैक क्रीम, ठीक हो गया। और ये मायोनीज भी शामिल करने लगे हैं इसमें। अब साथ हम इसमें शामिल करेंगे ब्लैक पेपर, काली मिर्च 1/2 टीस्पून बारीक पीसी हुई पाउडर फॉर्म में, ठीक हो गया, ये अपने टेस्ट के हिसाब से। व्हाइट पेपर 1/4 टीस्पून शामिल कर दें, नमक 1/2 टीस्पून या अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर दें, ठीक हो गया। शॉर्ट तरीका, अब सारी में आपके पास टाइम थोड़ा है, फटाफट से ये बनाएं और गल मुका दो अच्छे तरीके से। इसको हम मिक्स करेंगे, बीटर की मदद से भी कर सकते हैं, इस तरह का जो बीटर होता है आपके पास उससे भी कर सकते हैं। मिक्स करने के बाद 4 टेबल स्पून आइसिंग शुगर शामिल कर दें, या अपने टेस्ट के हिसाब से भी शामिल कर सकते हैं। अगर आप रेगुलर शुगर डालना चाहते हैं तो फिर 3 टेबल स्पून लेके उसको ग्राइंड करेंगे, ठीक हो गया। ये अगर आइसिंग शुगर मार्केट वाली डालेंगे तो फिर 4 टेबल स्पून जाएगी। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर दें। आहा, सुभान अल्लाह। मिक्स करने के बाद ये जो बॉल हमने लिए हुए थे, इसमें हमारे क्रीम थी, इसमें मायोनीज थी थोड़ी सी, हम ये इसमें से मिक्स की हुई इसमें शामिल करेंगे। ये देखें, गल समझ आ रही है, गाले मुकान लगे हैं, थोड़ी सी इसमें शामिल करेंगे, कोई मसला नहीं है, इस तरीके से, ठीक हो गया। चम्मच अलग अलग कर लेंगे दोनों के। ये मेरे पास लिक्विड फूड कलर है ग्रीन, हल्का सा इसमें डालेंगे 1 ड्रॉप, बस इतना सा। इसको मिक्स करेंगे, या जैसा कलर आप पसंद करते हैं वैसा भी बना सकते हैं। चस्के आ रहे हैं, दस रहे बाबा, थोड़ा सा और डालेंगे हल्का सा बस। ये देखिए, रेड वेलवेट फूड कलर थोड़ा सा इसमें डालेंगे 1 से 2 ड्रॉप, बस देख लेंगे ना, कलर चेक कर लेंगे। सुभान अल्लाह, हैं जी, ऐते चस्के बाबे ने किवें दस दिते ने, ये एवं दसन के बाबा, इस तरीके से, ठीक हो गया। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, ये मेरे पास खूबसूरत सेब हैं, जैसे आप खूबसूरत हैं इस तरह के हमने 2 सेब ले लेने हैं, छोटे साइज के हैं तो 3 ले लेंगे, ठीक हो गया। ये सेब यहाँ पे रख लेने हैं और इनको हमने साथ के साथ काटना है और साथ के साथ हमने इसमें शामिल करना है क्रीम में और मायोनीज में। अगर हम पहले से काट के रखेंगे तो ये ब्लैक की तरफ चले जाएंगे, ऐसे ऐसे, ये देखें। ये हमने 2 सेब इसमें काट लिए, 1 सेब अलग काट लिया, 2 सेब काट के इसको मिक्स करेंगे ताकि सेब ब्लैक ना हो, ठीक हो गया। इसको फौरन से पहले पहले सॉस तैयार करके फिर उसमें मिक्स कर लेने हैं आपने, इस तरीके से मिक्स कर लिया हमने, कोई मसला नहीं है। ये जो 1 सेब है इसको हमने उठाना है इस तरीके से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और ये ग्रीन में शामिल कर देना है, ठीक हो गया। थोड़ा सा लुक वाइज इस तरीके से इसको ग्रीन वाली सॉस में शामिल कर देंगे, कोई मसला नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हो गया। इसको यहाँ पे छोड़ दें, अब मेरी बात सुने। अब जो लोग कमर्शियल कारोबार करना चाहते हैं वो केले बीच में नहीं डालेंगे, अगर घर में बनाना चाहते हैं फिर केले डालेंगे। मैंने बारहा दफा आपको कहा, केला जो है ना वो लेस छोड़ता है, कमर्शियल लेवल पे जो लोग कारोबार करते हैं वो केले का इस्तेमाल नहीं करते, ठीक हो गया। इस तरीके से केले को काट लें। हाँ,
सुभान अल्लाह, मजे आ रहे ने भाई मेरे ते, गल ही मुक रही अज ते। ऐ वेखो है जी, तीन केले हमने दरमियाने साइज के इसमें शामिल कर लिए इस तरीके से। सुभान अल्लाह है जी, मजे आ रहे ने, चस्के आनगे इंशाल्लाह अफतारी दे टाइम। जी हमारे पास आधा पाव मटर थे, मटर हम आधा पाव लेके आए थे और छिलके समेत हमने उसको बॉयल कर लिया इस तरीके से, इतना बॉयल कर लिया, शामिल कर दें कोई बात नहीं। ये हमारे पास किशमिश है थोड़ी सी, 2 टेबल स्पून शामिल कर दें। ये हमारे पास पाइनएप्पल है, ठीक हो गया, ये शामिल कर दें थोड़ा सा इस तरीके से, सुभान अल्लाह। ये हमारे पास बॉयल की हुई गाजर है, ये शामिल कर दें, ठीक हो गया, सुभान अल्लाह। ये हमारे पास अनार है, थोड़ा सा अनार, ये सर्विंग वाला टेबल एक अनार का शामिल कर दें इस तरीके से, और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर दें। अच्छे से हमने मिक्स कर लिया। शुगर का आप खुद ध्यान किया करें, कम या ज्यादा आप कर सकते हैं। ये जो रेड वाली सॉस हमने तैयार की थी, ये हमारे पास मैक्रोनी थी, एक चाय वाला कप उसको हमने बॉयल कर लिया, ये रेड वाले में शामिल करेंगे, थोड़ा सा लुक वाइज चस्के थोड़े चंगे चंगे आ जान, इस तरह अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, ठीक हो गया, ये इस तरीके से। सुभान अल्लाह, तमाम चीजें तैयार हो गई, अब हमने सर्विंग करनी है। सर्विंग करने का तरीका इस तरह का, एक बॉल ले लें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये ऐसे, सुभान अल्लाह है जी, आ रहे ने चस्के, वेखो ऐ वेखो है किस तरीके से ये खूबसूरत लग रही है, ये देखें है जी, इस तरीके से यहाँ पे ये हम इसको डिश आउट करने लगे हैं इस तरीके से। प्लेट में भी करके दिखाना, अगर आपने एक प्लेट डिश आउट करनी है तो किस तरीके से करेंगे, आपकी इफ्तारी को चार चांद लगाने के लिए हम खड़े हुए जो हैं, ये प्लेट में यहाँ पे इस तरीके से, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, ये यहाँ पे इस तरीके से, बस इतना सा इसको अच्छे तरीके से इसमें डाल दें ऐसे। अब जी मैक्रोनी हमारी, ये इस तरीके से यहाँ पे इस तरीके से रख दें, ये थोड़ी सी यहाँ पे इस तरीके से है जी, बन रही है लोग, थोड़ी सी यहाँ पे इस तरीके से साइड पे, और ये थोड़ी सी यहाँ पे जिस तरीके से हमने प्लेट की सर्विंग की है यहाँ पे लगा दें, कोई मसला नहीं है, थोड़ी सी कलरफुल होगी ना, रशियन सैलड है, चस्के आएंगे, गल समझ आ रही है। ये ग्रीन वाले सेब, ये इस तरीके से, सुभान अल्लाह है जी, क्रीमी क्रीमी बिल्कुल फुल क्रीमी, ये इस तरीके से यहाँ पे, और ये जो थोड़े से बचे हैं ये यहाँ पे इस तरीके से। अब यहाँ पे ये किशमिश हल्की सी, ये देखें ऊपर हमने अंदर भी शामिल की हल्की सी, यहाँ पे भी डालेंगे ऊपर गार्निश के लिए हल्की सी यहाँ पे इस तरीके से, अनारदाना, सुभान अल्लाह है जी, की बढ़ा देता है बाबा तो रमजान शरीफ ले हैं, ये देखें इस तरीके से डाल दें। मेरे भाइयों आप फटाफट से 5 मिनट में 7 मिनट में रशियन सैलड तैयार करके किस तरीके से मेहमानों से अपनी फैमिली से दाद ले सकते हैं, मुकम्मल गाइड कर दिया आपको। अगर आपको हमारी रशियन सैलड की जो शॉर्ट तरीके से हमने आपको बताया रेसिपी अच्छी लगी हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहें ताकि न्यू रेसिपी आप तक पहुंचते रहे। दुआओं में याद रखा करें, इर्द गिर्द लोगों का भी ख्याल रखें, अपना भी बहुत सारा ख्याल रखें। मेरे लिए मेरी टीम के लिए दुआएं कर दिया करें, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।